students, English Standard 8, Revati's Musical Plan. Today we are going to learn the English lesson. रेवती संगीत की छात्रा है। उसे वायलिन बजाने का बहुत शौक है। रेवती के घर के बाहर बहुत से गमले रखे हैं। रेवती बाहर रखी बेंच पर बैठकर वायलिन बजाती है। आज तो मेरा मोहनम की धुन को बजाने का मन कर रहा है। एक गमले के पौधे को देखते हुए, अरे यह पौधा मुरझाया हुआ है। शायद इसे हवा, पानी तथा सूरज की रोशनी की जरूरत है। इसे मैं बरामदे में रख देती हूँ, जिससे इसे तीनों चीजें मिल सकेंगी। आज से मैं ही इस पौधे की देखरेख करूंगी और इसे पुष्प प्रदर्शनी में लेकर जाऊंगी। रोज स्कूल से आने के बाद, कैसे हो पौधे? मैं तुम्हारे लिए वायलिन बजाती हूँ। मेरी सबसे प्रिय धुन मोहनम है, तुम्हें भी पसंद आएगी। कितनी प्यारी धुन बजाती है रेवती कि झूमने का मन करता है। एक दिन पौधे के तने से एक कीड़ा चिपका होता है। अरे यह क्या, तुम पर तो कीड़े लग रहे हैं। रुको, मैं तुम पर कीटनाशक दवा छिड़क देती हूँ तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। रेवती मेरा कितना ध्यान रखती है, मैं हमेशा इसी के साथ रहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए अभी वायलिन बजाती हूँ। धीरे धीरे पौधा वायलिन की तरफ झुकने लगता है। अरे यह क्या हो रहा है? क्या मेरे वायलिन की धुन पर यह पौधा झुक रहा है? एक काम करती हूँ, मैं धुन थोड़ी तेज बजाना शुरू कर देती हूँ। अरे यह क्या, पौधा तो बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया। शायद इसे यह धुन पसंद नहीं आएगी। इसका मतलब मेरा पौधा संगीत प्रेमी है। कुछ दिन बाद पौधा बिल्कुल हष्ट पुष्ट हो गया और उसमें कलियां भी आ गईं। प्रतियोगिता वाले दिन रेवती अपने पौधे को देखने के लिए बरामदे में आई। मेरा पौधा कहाँ गया? ना पौधा है ना गमला। माँ से पूछती हूँ, शायद उन्हें पता हो। माँ, तुमने मेरा गमला देखा? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। कल दो पड़ोसी आए थे, वह गमले की बहुत तारीफ कर रहे थे, उसके बाद मैं उधर गई ही नहीं। जाने कहाँ गया मेरा गमला, पता नहीं किसने ले लिया है। अब मुझे सभी पड़ोसियों के घर जाकर अपने गमले को ढूंढना होगा। लोग पुष्प प्रदर्शनी के लिए मैदान की तरफ जाने लगे। अब मैं क्या करूं? जाने किसने मेरा पौधा ले लिया, यहाँ तो अब प्रदर्शनी भी शुरू हो गई है। दूर से रेवती एक पौधे को देखती है जो हूबहू उसी के पौधे की तरह था, परंतु वह प्रदर्शनी में किसी और के नाम के साथ रखा हुआ था। यह तो बिल्कुल मेरा पौधा है, लेकिन यह तो किसी और के नाम के साथ रखा हुआ है। तुम यह कैसे कह सकती हो कि यह पौधा तुम्हारा ही है? नहीं नहीं, यह पौधा मेरा ही है और मैं यह साबित भी कर सकती हूँ। तो ठीक है, तुम इस पौधे को अपना पौधा साबित करो। रेवती भागती हुई जाती है और अपना वायलिन लेकर मोहनम धुन बजाने लगती है। धीरे धीरे पौधा भी रेवती की ओर झुकने लगता है। लगता है यह लड़की सच कह रही है, क्योंकि इसका पौधा तो संगीत प्रेमी है। सच और झूठ का निर्णय तो संगीत ने ही कर दिया है। रेवती और यह पौधा ही पुरस्कार के अधिकारी हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पौधे को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला।